ये तरीका क्या बात करने का? तरीका क्या होता है? ये तरीका क्या मतलब यार, आप रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते किसी की। मैंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते आप मुझे कोई एक्टिंग एक्सरसाइज बताएं जो हम करते हैं इधर इम्प्रॉम्प्टू, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली या इम्प्रोव करने के लिए देखें, आप अगर अच्छा इम्प्रोव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक चीज डेवलप होती है जिससे आप बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो इसकी अलग एक्सरसाइजेज हैं, एक्सप्रेशंस की अलग हैं, हर चीज की अलग। तो जाते जाते एक कोई करा एक गेम हम करते हैं, क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन। हाँ, आप कोई सवाल मुझसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा, फिर मैं कोई सवाल आपसे करूंगा। इसमें सवाल का जवाब सवाल ही है, सवाल का जवाब एक और सवाल है। हाँ, ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके। सवाल, अब आप कोई सवाल करें मुझसे। कैसे यार, कैसा होऊंगा भाई? अच्छा ही होंगे, ये जवाब हो गया। हाँ, ये जवाब नहीं हो सकता, ये जवाब नहीं हो सकता, ये नहीं। अरे, मैंने पूछा अच्छे ही होंगे। हाँ, नहीं, अच्छे ही होंगे। हाँ, सही है। हाँ, ठीक है। हाँ, फिर मैं आगे से पूछता हूँ, क्या चल रहा है आजकल? हाँ, क्या चल रहा होगा भाई? ये बात जबरदस्त। अच्छा, गुस्से में क्यों बोल रहे? ये ऐसे ही जवाब उससे में ही आएगा ना। अच्छा, ठीक है। अब हम ब्रेक के बगैर पूछते जाते हैं। ठीक है, चले। ठीक है भाई, कैसे हैं यार? कैसा होऊंगा भाई? अच्छे ही होंगे, मुझे क्या पता। नहीं अच्छे? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि आप अपने होश में ही नहीं है। आप हैं होश में? तुम्हें लगता है मैं होश में नहीं हूँ? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। क्या बात कर रहे हो यार? आप क्या बात कर रहे हैं यार, ये तरीका क्या बात करने का? तरीका क्या होता है? ये तरीका क्या मतलब यार, आप रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानते किसी की। रिस्पेक्ट भी होती है। क्यों नहीं होती है? नहीं होती क्या? सिर्फ आपकी है क्या रिस्पेक्ट? आपकी भी है। मेरी तो बहुत ज्यादा है। किसने कहा? सॉरी। लेकिन ये गेम मजे की है ना। हाँ, और अगर कोई जज कर रहा हो ना तो उसमें फिर वो फंसते हैं लोग। अच्छा। हाँ, तो अगर कोई जज कर रहा हो तो मेरे एक्टिंग स्किल को कितना रेट करता है यार? अच्छे हैं यार। अच्छे है? एकदम तुमने पिक किया। पिक कर लिया। दिस इज वेरी गुड। और टैलेंट है मतलब? हाँ है। तो ये है कि मतलब 10 में से 7 कर लेते हैं। और 10 में से 7 नंबर फैसल कुरैशी ने दे दिए, बहुत बड़ी बात है। 7 का मतलब होता है वेरी गुड, ये भी बता दो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड होता है। ये वेरी गुड शो हो गया। थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पे आए। यू वेलकम। जाते जाते दोबारा यार, फैसल भाई क्या अजीम एक्टर है यार, आप लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और टीवी चैनल्स, प्लीज उनके टैलेंट के साथ जस्टिस करें यार, खुदा का वास्ता। आप कोई मैसेज जाते हुए? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस जब कुछ चेंज आता है ना तो उस चेंज को एक्सेप्ट किया करें और उस चेंज के साथ उस चीज़ को समझने की कोशिश किया करें, ना कि आप उसके मुखालिफ चलना शुरू हो जाते हैं। और आपका जो टाइम है उसको इंजॉय करें यार, उसको खामखा इधर उधर लोगों की सुनी सुनाई बातों पर, या कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है और किसके घर में क्या हो रहा है, उन चीज़ों से निकलें, अपने ऊपर फोकस करें। अगर आपका अपने ऊपर फोकस होगा, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच फैसल भाई। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते आपके एक और फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।